हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि वर्क परमिट किसे कहते हैं और परमिट कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं, व्हाट इज़ वर्क परमिट। वर्क परमिट इज़ अ डॉक्यूमेंट इन विच वर्क लोकेशन, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, टाइम लिमिटेशन एंड व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी टेकन टू एलिमिनेट और रिड्यूस द रिस्क एंड हजार्ड्स आर मेंशनड। यानी वर्क परमिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कौन सा काम करना है, कहाँ करना है, कौन वर्क परफॉर्म करेगा, कितने समय में काम को करना है और रिस्क या हजार्ड को कम या एलिमिनेट करने के लिए कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, वो भी वर्क परमिट में दिया होता है। आइए अब देखते हैं कि परमिट कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ परमिट। परमिट्स आर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री एंड द हजार्ड्स ऑपरेशन कैरिड आउट इन दैट इंडस्ट्री। हाउ एवर, द मोस्ट कॉमनली यूज परमिट्स आर हॉट वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, एक्सकावेशन परमिट, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट एंड वर्क एट हाइट परमिट। यानी अलग अलग कंपनी में अलग अलग काम होते हैं और उनके खतरे भी अलग अलग ही होते हैं, जिनके बेस पर सभी कंपनियों में परमिट्स भी अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ परमिट्स ऐसे हैं जो लगभग सभी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, वो चाहे कोई इंडस्ट्रियल फील्ड हो या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड। एग्जांपल के तौर पे हॉट वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, एक्सकावेशन वर्क परमिट, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट और वर्क एट हाइट परमिट। आइए अब देखते हैं कि ये परमिट्स कैसे कामों के लिए इशू किए जाते हैं। पहले नंबर पे देखते हैं हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट्स आर इशूड टू ऑथराइज टू कैरी आउट आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, चेजलिंग एट्सेट्रा। यानी हॉट वर्क परमिट्स आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, चेजलिंग तथा कोई भी ऐसा काम जिसमें स्पार्क या आग लग जाने का खतरा हो तो इसे इशू किया जाता है। दूसरा देखते हैं कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट। कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट्स आर इशूड टू ऑथराइज टू कैरी आउट वर्क इन कन्फाइंड स्पेस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिफिशेंसी और इफिशेंसी एंड अवेबिलिटी ऑफ टॉक्सिक और हजार्डस गैसेस। यानी कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती हो, जहाँ टॉक्सिक या हजार्डस गैसें हो सकती हो, वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट लिया जाता है। तीसरा देखते हैं एक्सकावेशन परमिट। इन मोस्ट इंडस्ट्रीज पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिकल केबल्स, टेलीफोन केबल्स रन अंडरग्राउंड एंड समवेयर सोइल्स आर नॉट स्टेबल। एक्सकावेशन वर्क में कॉज एक्सीडेंट, हैंस टू कंट्रोल सच एक्सीडेंट्स एक्सकावेशन वर्क इज कंट्रोल्ड बाई वर्क परमिट। यानी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में पाइपलाइन, इलेक्ट्रिकल केबल्स और बहुत से ऐसे केबल्स अंडरग्राउंड होते हैं और कुछ जगहों पर मिट्टियाँ स्टेबल नहीं होती, मतलब ऐसी जगह जहाँ खुदाई के वक्त मिट्टियाँ ढह जाने के चांसेस होते हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए वर्क परमिट लिया जाता है। चौथा देखते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क्स आर कंसिडर्ड एज अ वेरी हजार्डस वर्क, देयरफॉर टू कंट्रोल एंड मिनिमाइज द हजार्ड वर्क परमिट इज टू बी टेकन। यानी इलेक्ट्रिकल वर्क बहुत ही क्रिटिकल और रिस्की होता है, इसके खतरों से बचने के लिए वर्क परमिट ले करके ही काम करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं। वर्क एट हाइट परमिट। मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू फॉल्स वाइल वर्किंग एट हाइट। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स रिजल्ट्स इन फैटलिटीज और सीवियर इंजरीज। व्हेनेवर जॉब इज बीइंग परफॉर्म्ड शुड बी कैरीड आउट अंडर द अथॉरिटीज ऑफ वर्क परमिट इशूड बाई एन
अथराइज्ड पर्सन, यानी इंडस्ट्रीज़ में बहुत से एक्सीडेंट्स गिरने की वजह से होते हैं, जिनमें कुछ बहुत सीरियस जोखिम भी हो जाते हैं। ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए जब भी हाइट पर काम करें तो किसी अथराइज्ड पर्सन, जो वर्क लोकेशन और वहाँ के ख़तरों को अच्छे से जानता हो, उससे वर्क परमिट लेने के बाद ही काम स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि वर्क परमिट क्या होता है, वर्क परमिट कितने तरह का होता है, और जो वर्क परमिट्स के टाइप्स हैं उनमें क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम वर्क परमिट लेते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में देखा और समझा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।